खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं सुनील भगवंतराव टोके मुंबई पुलिस दल में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के पद पे नौकरी कर रहा हूँ। मेरा ये वीडियो द्वारा भारतीय जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो सम्माननीय चुनाव आयोग है, उन्होंने मुंबई में जो सह पुलिस आयुक्त एलेंडो श्री देवेंद्र भारती साहब है, उनकी बदली एलेंडो पद से निकाल के उनको वापस आर्थिक गुने यानी बम्बई के अंदर ही खाली पोर्ट पुलिस चेंज करके उनकी बदली की। और सरासर ये जो काम किया गया ये खाली जनता के लिए, आम जनता के लिए फसवणूक जैसी चीज़ है। और उन्होंने ये जो गलत काम किया उसके बारे में मेरी ये राय है कि चुनाव आयोग ने और महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार ने प्रशासकीय राजनीति खेली है, जो कि देवेंद्र भारती साहब को ये पद से हटा के एक्चुअली मुंबई के बाहर भेजना चाहिए था। गए 10-12 साल से वो बम्बई में रह के अपना गुनहगारी जगत का राज फैला रहे हैं। और इसके पहले भी मैंने इनके बारे में तकरार तो की थी और इनके वजह से पुलिस दल के कुछ ठराविक IPS लोगों का मैंने जो भ्रष्टाचार उजागर किया और उसके बारे में मैंने जब जनहित याचिका दायर की तो मुंबई पुलिस के आला ऑफिसर में अभी के जो जॉइंट CP है सम्माननीय पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जितने भी पोर्ट पुलिस में जॉइंट CP साहब है वो भी इनमें इन्वॉल्व है। और इनके मानसिक हर्ष को मुझे इतना तकलीफ हुआ कि गए एक साल भर पहले मैंने PMO साहब को, राष्ट्रपति साहब को, राज्यपाल साहब को और देवेंद्र फडणवीस जी को, मेरे वाइफ के साथ हम दोनों को इच्छा मरण चाहिए क्योंकि हमने जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा हूँ उसके खिलाफ मैं जो लड़ रहा हूँ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खाते भी रह के, तो ये लोगों ने बहुत मुझे तकलीफ देना चाहा और मैंने इसके बारे में आला अधिकारियों को भी अवगत किया है।